गॉड ऑफ फुटबॉल, जो ब्राजील को फुटबॉल के शिखर तक लेकर गए। लेजेंड पेले साओ पाउलो की सड़कों से शुरू किए गए अपने सफर में इस खेल के ग्लोबल एम्बेसडर भी बने। 82 साल की उम्र में कैंसर से निधन हुआ। कैंसर से जूझ रहे थे पेले। पेले के रहते हुए ब्राजील ने 1958, 62 और 70 में फुटबॉल विश्व कप जीता था। पेले ने ब्राजील की तरफ से 77 गोल किए। पेले के इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड की हाल में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान नेमार ने बराबरी की थी। पेले के पैरों की कारीगरी के विरोधी भी मुरीद थे। फुटबॉल के चाहने वालों की यादों में ब्राजील की पीली 10 नंबर की जर्सी में पेले की छवि हमेशा छपी रहेगी। 1967 में पेले लागोस में नुमाइशी मैच खेल पाए, इसलिए हुआ था युद्ध विराम। पेले की ख्याति ऐसी थी कि 1967 में नाइजीरिया में गृह युद्ध के दौरान कुछ समय युद्ध विराम कर दिया गया ताकि पेले लागोस में नुमाइशी मैच खेल सके। 23 अक्टूबर 1940 में जन्मे पेले ने फुटबॉल किट खरीदने के लिए जूते भी पॉलिश किए। पेले 11 साल की उम्र में सांतोस की युवा टीम का हिस्सा बने और जल्द ही सीनियर टीम के लिए चुन लिए गए। पेले ने ब्राजील के लिए 114 मैचों में 95 गोल किए। जब यूरोपीय क्लबों में उन्हें खरीदने की होड़ मची थी तो ब्राजील सरकार को इसे रोकने के लिए दखल देना पड़ा और उन्हें नेशनल एसेट घोषित किया था। ब्राजील की पीली 10 नंबर की जर्सी में पेले की छवि फुटबॉल के चाहने वालों की यादों में हमेशा चस्पा रहेगी। 17 साल की उम्र में ही मनवाया था अपनी प्रतिभा का लोहा। पेले ने लीग मैचेस में करीब 650, 650 और सीनियर मैचेस में 1281 गोल किए। द किंग कह जाने वाले पेले ने सबसे पहले 1958 में स्वीडन में 17 साल की उम्र में विश्व कप में अपना लोहा मनवाया। वे उस टूर्नामेंट के सबसे युवा खिलाड़ी थे। फाइनल में मेजबान के खिलाफ 5-2 से मिली जीत में 2 गोल करने वाले पेले को उनके साथी खिलाड़ियों ने कंधे पर उठा लिया था। पेले ने अपने करियर में 4 फुटबॉल विश्व कप खेले। उन्होंने 1971 में ब्राजील की राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले लिया था। पेले ने अपने पेशेवर करियर में कुल 1363 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1281 गोल किए। ब्राजील के लिए 51 मुकाबलों में 77 गोल किए। पेले ने अपने करियर के दौरान 92 हैट्रिक भी लगाए। उनके योगदान के लिए फुटबॉल फैंस उन्हें हमेशा याद रखेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।